जय लक्ष्मी माता की। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पुदीने की चटनी। वैसे तो आपने पुदीने की चटनी बहुत बनाई होगी घर पे और खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको एक नए तरीके से बनाने सिखा रही हूँ, जिससे ये पुदीने की चटनी से खाने से आपको एक तो हाजमा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसी सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ जो शायद ही आपको पता हो, और आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं पुदीने की चटनी। सबसे पहले मैंने पुदीने के ये पत्ते जो है ये तोड़ लिए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा धनिया भी मिक्स किया है। ये देखिए, ये धनिया भी है इसके अंदर, धनिया और पुदीना दोनों हैं, और इनको अच्छे से मैंने धो लिया है और पानी इसका निचोड़ लिया है। ये प्याज है, ये टमाटर, लहसुन, मेन इसका जो इंग्रेडिएंट है लहसुन। लहसुन आपको पता है कि बहुत अच्छा होता है अपनी सेहत के लिए, बीपी के लिए। लोग कहते भी हैं कि लहसुन सुबह सुबह खाना चाहिए खाली पेट, और कई लोग नहीं खा पाते। तो अगर हम ये चटनी बनाएंगे तो दोनों ही चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाएंगी और हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम ये जो टमाटर है ये इसके अंदर डाल देंगे, डाल दिया हमने। और अब जार के अंदर हम प्याज डालेंगे, कटा हुआ जो हमारा प्याज है वो हमने डाल दिया इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे पुदीने के पत्ते। यह आपका हाजमा काफ़ी इम्प्रूव करेगी, बीपी की प्रॉब्लम हटा देगी, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो वो भी हटा देगी। चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी जैसे ही ये चटनी तैयार हो। और एक बार और देखिए, ये हमारी चटनी बन गई है। और जो इसमें मेन चीज़ है जो हमने इसके अंदर डालनी है वो है हमारी एक सीक्रेट चीज़ जो हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, और वो है थोड़ा सा काला नमक। ये काला नमक डालने से ये चटनी आपको हजम बहुत जल्दी हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। और एक सीक्रेट और चीज़ है, वो है बूरा, बूरा चीनी। हाँ हाँ जी, आप कभी भी एक बार डाल के देखिएगा और फिर खा के बताइएगा कि चटनी कैसी बनी। और अब हम इसको